हेलो नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे नई नई हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले भगवान का भोग लगे। गुरु जी, यह नगर तो सचमुच दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, अगर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन, तू पश्चिम की ओर जा और नयारदास तू पूर्व की ओर जाएगा। नारायण नारायण। क्यों बाजी, क्या बात? बाबा जी टके से बाहो। सब बाजी टके से। हाँ, सब बाजी टके से। सब बाजी टके से। बाबा चीजें टके से। मिठाई क्या बात? बड़ा आनंद है, सब चीजें टके से। तो बच्चा, इस नगर का क्या नाम है? अनोज भाई। और राजा का क्या? अनुभूत राजा। वाह, बड़ा आनंद है, अंधेर नगरी, अनुभूत राजा, टके से बाजी टके से खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना चाहते हैं तो ले लो। चाहो बच्चा, में सात पैसे मिले तो ठीक है, साढ़े तीन सौ ठीक हो। बच्चा नारायण दास ने मुझसे यहाँ सब चीजें टके से मिलती है, मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है और इस नगरी का राजा कौन है? गुरु जी ये अनुज राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके शेर खाजा मिलता हो, मैं तो यहाँ एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गुरु जी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर लागू भी नहीं भरता, मैं तो एक रहूंगा। देख बच्चा, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, ये कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो मुझे याद करना। मंत्री चिताइयो लेके आओ। महाराज, मेरी बल्ली बनने की दीवार गिर पड़ी से उसके नीचे मेरी बकरी दब के मर गई। और मंत्री, जब कल्लू बनने बोल लो। सिपाहियो, कल्लू बनने के लाया जाए। क्यों ना बनिया? ऐसे क्यों उसकी बकरी पर गई? महाराज, मेरा कोई दोस्त नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा मंत्रीवान, उसे छोड़ो, कारीगर की पकड़ लो। सिपाहियो, कारीगर को लाया जाए। दुआई सर को। क्यों ना कारीगर? ऐसी दीवार क्यों बनाएगी? इसकी दीवार गिर गई, इसकी बकरी मर गई। महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा मंत्रीवान, इसे छोड़ो, जाए चूने वाले को बुला लो। सिपाहियो, चूने वाले को लाया जाए। उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा मंत्रीवान, इसे छोड़ो, जाओ कसाई बुला लो। सिपाहियो, कसाई ले जाए। आई सरकार, क्यों है कसाई? इतनी बड़ी मछली क्यों बना दी कि इसकी बकरी दबकर मर गई? महाराज, कल ये नेट टके से ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ
निकला क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। बकरी बनने के अपराध में किसी न किसी को फांसी होना जरूरी है। सो न्याय हमारा न्याय। महंत जी ने कुछ भी कहा था जी का है। राजा इस समय ऐसी सुख घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। अब भी मरेंगे। मैं मरूंगा।